बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए नई डिश लेकर आए हैं, स्टेक डी। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चम्मच कॉर्नफ्लोर है, एक पाव घी है, एक पाव चिकन है, दो कटे हुए टमाटर है, आधी गोभी है, कटी हुई शिमला मिर्च दो कटी हुई है, एक कटी हुई प्याज है, स्टेक डी है, नमक है, दो चम्मच सिरका है, कटे हुए लहसुन है, तीन अंडे हैं, दो चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं, चिल्ली सॉस है, सोया सॉस है दो दो चम्मच, एक चम्मच काली मिर्चें हैं, तीन चम्मच केचप है, दो चम्मच मायोनीज है। अभी देखें, मैंने गर्म पानी पहले रख दिया, इसमें मैंने अभी एक चम्मच नमक डाला। और एक चम्मच इसमें मैंने घी डाल दिया। अभी देखें, पानी में हल्का हल्का सा बॉयल से आने लगे। अब इसके अंदर मैं इसको रख देती हूँ। ये है ना, दो तीन मिनट में ये उसका नाम है बिल्कुल घुल जाएगी। ये देखें, ये अच्छी तरीके से बन के तैयार हो चुकी है, दो से तीन मिनट तक में। अब मैं इसको उतार रही हूँ। इसको उतार के ठंडे पानी में वॉश करूँगी, इसमें घी लगा के छोड़ दूंगी जो चिपके नहीं। ये देखें, दो से तीन मिनट तक में ये तैयार हो चुकी है। इसको मैं उतार के और इसको ठंडे पानी से धो के और इसको है ना तेल लगा के रख दूंगी। अभी देखें, मैं चिकन तैयार कर रही हूँ। ये मैंने इसमें डाल दी चिकन में, ये कुटी मिर्चे ये भी मैंने डाल दी है, ये नमक रखा हुआ है, नमक भी मैंने इसमें डाल दिया, चिल्ली सॉस भी डाल दिया, सोया सॉस भी डाल दिया, ये सिरका भी डाल दिया और ये आधी चम्मच मैंने काली मिर्ची भी डाल दी है। मैं इनको अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी। 10 मिनट के बाद इसको मैं फिर फ्राई करूंगी। देखें, इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगा। अब 10 मिनट के बाद में इसको पकाने की तैयारी। इसमें मैं घी डाल रही हूँ, घी गर्म हो जाता है। इसमें मेरे पास कटे हुए लहसुन है, वो डाल दूँगी। देखें, इसमें कटे हुए लहसुन है मेरे पास, तक मैंने ये डाला। इसको भी हल्का गोल्डन करूंगी, इसमें फिर प्याज भी डाल दूंगी। पाँच मिनट लगेंगे। ये देखें, पाँच मिनट हो गए। अब मैं इसके अंदर कटी हुई प्याज रखी हुई है, ये डाल लूंगी। इसमें पाँच मिनट इसको भी लाऊंगी, थोड़ी नरम हो जाएगी। इसके अंदर मैं चिकन डाल दूंगी। देखें, पाँच मिनट हो गए, प्याज भी हल्की हल्की से नरम हो गई है। हम इसके अंदर ये चिकन मेरे पास जो रखा हुआ था, 10 मिनट के लिए मैंने ये डाला। अब इसी तरीके से इसको मैं 10 मिनट तक भूनूंगी। देखें, 10 मिनट हो गए हैं मुर्गी को फ्राई करते हुए। ये चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ये मेरे पास रखी हुई है शिमला मिर्चे, ये मैंने डाली इसके अंदर, और ये बंद गोभी डाली। अब पाँच मिनट तक इसको मैं इसी तरीके से फ्राई करूँगी। देखें, पाँच मिनट हो गए इसको बंद गोभी को शिमला मिर्चों को भूनते हुए चिकन के साथ। हम इसके अंदर कटे हुए मेरे पास टमाटर रखे हैं, जैसे मिर्चें कटी हुई है ना शिमला मिर्चे, लंबी लंबी ऐसे लंबे लंबे टमाटर कटे हैं। अब ये देखें, 10 मिनट तक इसको इसी तरीके से मैं भून के 5 मिनट और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक्कन लगा देंगे। देखें, थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला इसमें, आधा गिलास करिए। अब इसमें अच्छी तरीके से ये पक जाएगा। फिर इसमें है ना, मैं अब इस पर मैं ढक्कन लगा रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ही सारी चीज़ें है ना तैयार हो जाएंगी। देखें, 10 मिनट हो गए,
अब मैं इसके अंदर डालूंगी कॉर्नफ्लोर। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़े थोड़े पानी से इस तरीके से मिक्स करूँगा। इसमें ना जमना नहीं चाहिए, इसमें गुठली में नहीं रह जाना चाहिए। ये देखें मैंने कॉर्नफ्लोर घोल के रखा, इसके अंदर डाल लूँगी। इसको अच्छी तरीके से 5 मिनट तक चलाऊँगी। ये इसमें एक तरीके से खूबसूरती से आ जाती है, सफ़ेद सफ़ेद पान आ जाता है। ये देखें 5 मिनट तक इसको इसी तरीके से मैं चलाती रहूँगी, जिसके अंदर फिर मैं अंडे डालूँगी। तो देखें 5 मिनट होगा, जिसके अंदर मैं अंडे डाल ली हूँ। जो मेरे पास अंडे, मैंने 3 अंडे तोड़ के रखे हैं, तो इसको जल्दी ही चला लूँ। ये देखें इस तरीके से मैंने अंडे डाल के इसको है ना 5 मिनट तक इसमें अंडों को भूनूंगी इसी के अंदर। तो इसमें ये देखिए 5 मिनट हो गए, इसको मुझे अंडे को और सबको भूनते हुए मैं इसमें आधे स्टेक भी डाल रही हूँ। ये देखें बिल्कुल सही से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें है ना चूल्हा बंद करूँ, इसमें केचप वगैरह मिक्स करूँगी। ये देखें आधी चम्मच मैंने रख ली थी ना काली मिर्च, अब इसके ऊपर डाल देंगे। और ये केचप, ये देखें इसके अंदर मायोनीज डाल देंगे, जिसका ये बिल्कुल तैयार हो चुका है बनके। अभी देखें ये मैं बाउल में डाल लूँगी। देखें इसके ऊपर मैं ना केचप डाल लूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्पेक डी बनके तैयार हो चुकी है।